जय यीशु। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, आज की आशीष के लिए, कृपा के लिए, दिन भर के हर प्रकार की कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, प्रबंधों के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए किए हैं। और समर्पित कीजिए अपने परिवार को, सब कुछ को, अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को समर्पित कीजिए। अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। आइए हम एक साथ प्रभु को पुकारें। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर, ये जिंदगी का सफर, मेरे जीवन में खुशियां भर दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे, मेरे मन में तू खुशियां भर दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे, मेरे दिल में तू शांति भर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर, तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है, तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है, आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, ये जिंदगी का सफर, यीशु आशीषों से भर, ये जिंदगी का सफर। आराधना तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है, प्रताप से विभूषित है, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तू कितना महान है, तू कितना महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है, तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है, तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है, तंबू की तरह ताना है, तू जल के ऊपर, तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है, अपने भवन का निर्माण करता है, तू पवनों को, तू पवनों को अपने दूत बनाता, अपने दूत बनाता, और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक,
और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। हालेलुया 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 महिमा 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 आराधना 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तेरी स्तुति हो प्रभु धन्यवाद तेरी महिमा हो मेरे ईश्वर मेरे मालिक मैं तुझे धन्य कहता हूँ हाँ प्रभु तो कितना महान है तो महिमा और प्रताप से जो घोषित तेरी महिमा हो तेरी आराधना हो तेरी जय हो धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद 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 हालेलुया उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्याएं 3-9 तक अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो अर्थात कनान का समस्त देश उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु की महिमा हो प्रभु की महिमा प्रभु की आराधना हो प्रभु की आराधना प्रभु की जय हो प्रभु की जय हालेलुया 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 मेरे प्रियो अब्राहम जिसका नाम प्रभु ने बदल करके अब्राहम रखा क्यों क्योंकि वह प्रभु की आज्ञाओं का अक्षर सह पालन करता है प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु जो भी कहता है वह उसका पालन करता है मेरे प्रियो आज का वचन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें अब्राहम की तरह अर्थात अब्राहम की तरह होना चाहिए अपना जीवन हमें पिता इब्राहिम की तरह बनाना चाहिए पिता इब्राहिम महत्वपूर्ण विश्वासी थे मजबूत विश्वासी थे हम सभी विश्वासी कहलाते हैं लेकिन विश्वासियों का हम सभी विश्वासियों का पिता पता है कौन अब्राहम है अब्राहम पिता विश्वासियों का पिता है और अब्राहम को प्रभु ने बहुत आशीषें दी अनगिनत आशीषें दी वचन कहता है कि जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा
क्या प्रभु कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। ये प्रभु का आदेश है, हमें प्रभु के सामने निर्दोष आचरण करना चाहिए, हमें निर्दोष आचरण करते रहना चाहिए। प्रभु कहता है निर्दोष आचरण करते चलो, करते चलो। कभी ऐसा ना हो कि हमारे आचरण में कोई बुराई आ जाए, कोई कलंक आ जाए, इससे हमें बचना चाहिए। और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो अब्राहम की तरह प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। क्या क्या आशीर्वाद दिया? प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे, तुम्हारा अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। कितने? असंख्य, असंख्य मतलब क्या होता है? असंख्य का मतलब जो संख्या निर्धारित नहीं की गई हो, हजार, दस हजार, बीस हजार, चार लाख, दो करोड़, दस करोड़, सौ करोड़, एक अरब, इतनी नहीं, असंख्य, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है, इतने वंशज होंगे। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे वंशज, तुम्हारे वंश असंख्य होंगे। और प्रभु कहता है मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे वंशजों के में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए कैसी कैसी आशीषें देते हैं जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार होते हैं, प्रभु के कहने के अनुसार जब चलते हैं, तब प्रभु हमें कितनी आशीषें देता है, हमारे हमारी पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है। जिस प्रकार प्रभु ने इब्राहिम के लिए विधान निर्धारित किया, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे, इतनी आशीष। क्या हमारे लिए प्रभु ये विधान नहीं निर्धारित कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। वचन कहता है कि अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रख करके विश्वास किया, निराशाजनक परिस्थिति में आशा रख करके विश्वास किया। कैसे? हम सभी जानते हैं किस प्रकार प्रभु ने इब्राहिम का एक लौता बेटा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ था, एक लौता जिसे अब्राहम बहुत प्यार करते थे, प्रभु एक बार कहते हैं कि अब्राहम तुम अपने इकलौते को, अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मैं जहां कह रहा हूं वहां ले जाकर के मेरे लिए बलि चढ़ा दो। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, इस बुढ़ापे में वह मेरी लाठी है, बुढ़ापे का लाठी है, बुढ़ापे में तूने हमें एक संतान दी और उसको भी तू हमसे कह रहा है कि उसको बलि चढ़ा दूं, कैसे हमारा जीवन बीतेगा? कुछ नहीं कहा, बस प्रभु के आदेशों का पालन किया। ऐसा है वह अब्राहम, इसलिए प्रभु उस पर खुश होता है, प्रसन्न होता है। ऐसा है वह अब्राहम, प्रभु के एक बार कहने पर वह अपना नगर, अपना देश, अपने लोगों को छोड़ करके दूसरे जगह जाकर के बस जाता है। इतना उसको प्रभु के वचनों पर विश्वास है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उसने छोड़ दिया, जाकर के तंबू में रहने लगा, टेंट लगा करके अपना परिवार लेकर के। वो है अब्राहम। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु उसे बहुत प्यार करता है, आशीषें देता है। कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थाई विधान निर्धारित करूंगा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा,
मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। सोचिए, कनान का समस्त देश, एक देश, समस्त देश मैं तुम्हें दे दूंगा, वे उसके राजा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने इब्राहिम से अभी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना हो चाहिए। प्रभु के विधान का पालन करना होगा। जिस प्रकार पिता इब्राहिम ने पालन किया, उसी प्रकार हमें भी, हम भी इब्राहिम की पीढ़ी ही हैं, पिता इब्राहिम की संतान हैं, उन्हीं के विश्वास के द्वारा हम भी इब्राहिम की संतान होते हैं, क्योंकि वही पीढ़ी चली आ रही है इब्राहिम के द्वारा, इसहाक और उसके द्वारा याकूब, उसके पुत्र, सभी इज़राइली और यहूदी, ये सब उसी पीढ़ी में है। उसी पीढ़ी में यीशु आते हैं, यहूदियों में ही प्रभु यीशु आते हैं, उसी के वंश में एक और राजा आते हैं जिनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर स्वयं उस पीढ़ी में आते हैं। मेरे प्रियो, आदेश क्या है प्रभु का? कि तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के विधान का पालन करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, हमें उसका पालन करते रहना चाहिए। जरा भी संकोच नहीं, जरा भी डर नहीं, प्रभु ने जो कहा उसको अक्षरशः पालन करना। प्रभु ने कहा यह मत करो, नहीं करना। प्रभु ने कहा यह करो, करना है। प्रभु ने कहा अपने बेटे का वध कर दो। अब्राहम ने छुरा उठाया था, लेकिन प्रभु रोक देता है और कहता है कि मैं जान गया हूं कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। कहने का मतलब क्या है? हमें प्रभु को प्यार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रभु अब हमसे वह इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेगा कि हमारे इकलौते बेटे को मारने के लिए प्रभु कहे, नहीं लेगा, लेकिन उससे छोटी छोटी ही परीक्षा ली जाएगी, परखेगा प्रभु हमसे, हमें उनमें खरा उतरना चाहिए, हमें खरा उतरना होगा। प्रभु कहता है कि इतनी बड़ी परीक्षा नहीं ली जाएगी तुमसे जो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे या सह नहीं पाओगे, प्रभु का ये कथन है। इसलिए मेरे प्रियो, निराश मत होइए और प्रभु पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, जैसा प्रभु कहता है वैसा करिए। आइए हम दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और अपने निवेदन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारा निवेदन कैसा हो? प्रभु हमें कृपा दे, हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम तेरे आदेशों का पालन करें, तुझ पर भरोसा करें, विश्वास करें, जिस प्रकार हमारे पिता इब्राहिम ने तुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, तेरे विधान का पालन किया और प्रभु तूने आदेश दिया कि तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारी पीढ़ियां मेरे इस विधान का पालन करेंगी, उन्हें करना चाहिए। इस लिहाज से हम भी तेरे आदेश का पालन करना चाहते हैं। हमें शक्ति दे प्रभु कि हम तेरे सभी आदेशों का पालन करें और तुझसे कृपा प्राप्त करें, तुझसे आशीषें प्राप्त करें। हाँ प्रभु, हम कमजोर हैं, बार बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, दुख संकटों से घिर जाते हैं। जब दुख आता है, समस्याएं आती हैं, तो हमारा विश्वास डवाडोल हो जाता है। कोई शरीर में रोग हो जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, दर्द से जब कराह उठते हैं तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है, हमारा विश्वास हिलने लगता है कि अब क्या होगा, शायद प्रभु भी मेरी सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसे वक्त, ऐसे समय में प्रभु तू हमें शक्ति दे कि हम संभलें,
और तुझ पे भरोसा रखें। आज इस वक्त जितने भी लोग रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, उन सबों को प्रभु इस समय मैं तेरे चरणों में रखता हूँ विश्वास और भरोसे के साथ। प्रभु तू उनके दुखों को दूर कर, उनकी समस्याओं को दूर कर, उनके रोगों से उन्हें मुक्ति दे यीशु। दया कर प्रभु, करुणा कर, उनके विश्वास को मजबूत कर यीशु। एक एक रोगी को तू स्पर्श कर यीशु। मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ तेरे सामर्थ्य में कि तू कुछ भी कर सकता है। हम जो मांगेंगे तू हमें देगा प्रभु, तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं यीशु इन सभी लोगों को जो रोगी हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, बंधनों में हैं, इन्हें स्वतंत्र कर, चंगाई प्रदान कर, इनके दुखों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। निराशा को आशा में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, अविश्वास को मजबूत करके विश्वास दे प्रभु, विश्वास का वरदान दे प्रभु, आशीषें दे प्रभु, कृपाएं दे प्रभु, वरदान दे प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारे अंदर जो भी गंदी आदतें हैं, अश्लीलता की जो भी आदतें हैं उनको निकाल प्रभु। जो भी लोग गलत संबंधों में हैं उनके संबंधों से उन्हें छुटकारा दे प्रभु, स्वतंत्र कर यीशु, और अपनी कृपा से भर, अपनी आशीषों से भर इस जिंदगी के सफर को प्रभु। तू अपनी आशीषों से भर, अपनी कृपाओं से भर, अपने वरदानों से भर प्रभु। हम तेरे सेवक, तेरे मित्र इब्राहिम की संतान है, वो हमारे पिता हैं प्रभु। उनकी प्रतिज्ञाओं को तू हमारे जीवन में पूरा कर यीशु। हम तुझे मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं जो प्रतिज्ञाएं तूने उनके लिए और इनकी उनकी पीढ़ियों के लिए की है प्रभु, वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, वो सारी आशीषें हमें मिले यीशु। हाँ प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं तू अपनी प्रतिज्ञाओं को याद कर और हमें आशीषित कर। हम मांगते हैं, हम पुकारते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, महिमा 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 महिमा, धन्यवाद 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 यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हमें आशीषित करने के लिए, हमें चंगाई प्रदान करने के लिए, हमें हर प्रकार के बंधनों से आजाद करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। पुनरुत्थान और जीवन तू है, तू ही जीवन दे सकता है। क्योंकि तू ही जीवन सोता, तू ही अल्फा और ओमेगा।